आज तमिलनाडु में अवैध शराब पीने से लगभग 25 लोगों की मौत हो चुकी है। ये पहली बार नहीं है कि तमिलनाडु में इस प्रकार की घटना हुई है। मई 2023 में 20 से अधिक लोगों की जानें चली गई थी। ये इसलिए चल रहा है क्योंकि इस गोरख धंधे को डीएमके की सरकार पूरा संरक्षण देती है, प्रोटेक्शन देती है और चलाती है और पैसा भी कमाती है। क्या मुख्यमंत्री स्टालिन के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? क्या वो अपने मंत्रालय के अंदर जो बैठे मंत्री हैं, जो इसको पूरा पोषण देते हैं, उन पर कार्रवाई करेंगे या केवल दो तीन छोटे अफसर पर कार्रवाई करके छोड़ देंगे? इससे पता चलता है कि तमिलनाडु सरकार किस प्रकार से इस धंधे को आगे बढ़ाती भी है और संरक्षण देती भी है। इस पर कार्रवाई होगी और बाकी के जो इंडिया अलायंस के नेता है, जो अमूमन घटनाओं पर काफी चीजें बोलते हैं, वो क्या बोलेंगे इस पर?